के जवाब में रवीज राजा ने कहा कि चीन को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किलें चीन के आने के बाद कम हो जाएंगी या क्रिकेट इकोनॉमी बेहतर होने का कोई चांस है? इस पर साइन करा के ले लो, कुछ भी नहीं होगा। ये जो इतना शोर मचा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें जैसा भी आपको वीडियो लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में इस टॉपिक के बारे में करते हैं कुछ बात। धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चंस भी हैं, सिलेक्शन पे भी क्वेश्चन हो रहे हैं, परफॉर्म कर सकेंगे? अच्छा, इसमें जी सबसे पहले तो एक चीज जैसा जावेद भाई कह रहे थे, इट इज नॉट एसेंशियल कि कितने बड़े प्लेयर्स आपके पास हैं, उनकी T20 में यूटिलिटी कैसे। अब अगर आप बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को देखते हैं तो वो दोनों आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं इस वक्त कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में, बट वो ओपन करेंगे। अगर उनके स्ट्राइक रेट्स देखें, एक का करियर स्ट्राइक रेट 129 है, एक का 130 है। दिस मीन्स अगर वो 100 की पार्टनरशिप लगाते हैं तो 14 ओवर गुजर गए। हफीज का लास्ट ईयर मिजरेबल गुजरा, उससे पहले जो था वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। अभी डेंगी के बाद वापस आ रहे हैं, अगेन उनका स्टाइल है कि वो थ्रॉटल, मतलब वो लेट एक्सेलरेशन करते हैं। मलिक अगेन वो सेवियर आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कैमियो खेलने, डेलिकेट क्रिकेट खेलनी और वो फिर पंच करते हैं, वो पावर हिटर नहीं है। सरफराज गेम ऑफ एंगल्स वाले हैं, इम्प्रोवाइजेशन स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छे हैं। तो क्या ये सारे एक कैनवस में फिट बैठेंगे? क्योंकि आपने प्लान कैसे करना है कि पहले 6 ओवर में पावर प्ले में आपने पावर हिटर्स के साथ जाना है, वो तो आपके हैं नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है 7 से 15 में बिल्ड करना है। तो बिल्डिंग एक्सेलरेशन में आके लास्ट फाइनल फ्लरिश कौन देगा? हसन अली देगा या अमाद वसीम देगा? सो ये इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, फिर शुएब मलिक का, आई हैव बीन हिज ग्रेटेस्ट सपोर्टर, 11,000 रन हो गए T20 में, बट एट द एंड ऑफ द डे जितने भी वो खेले हैं वाइट बॉल टूर्नामेंट्स इन द लास्ट 10 ईयर्स, जो वर्ल्ड ग्लोबल टूर्नामेंट, 18.5 की एवरेज है। सो ही हैज नॉट ओनली दिस टाइम के प्रूव करना है, स्वान सॉन्ग है उनका, लास्ट आई छठा वर्ल्ड कप होगा, ही हैज प्लेड इन ऑल T20 वर्ल्ड कप्स अदर देन 2010। सो प्रेशर तो होगा। सरफराज का अगेन थोड़ा सा ट्रिकी ये होगा, क्या वो एज बैट्समैन खेलेगा या वो रिजर्व विकेट कीपर ही रहेगा और वो नहीं खेलेगा और रिजवान विकेट कीपिंग करेगा। सो आपका टीम का बैलेंस कैसे बनेगा? सो इट इज नॉट एन इजी आस्क फॉर सकलान मुश्ताक, और वो तो कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, मैथ्यू हेडन और वर्नन फ्लैंडर, तो वो तो इतने रेलेवेंट नहीं होंगे, सकलान को करना है। सो अब आपने पूछा था कि कंपैरेटिवली, माइंड यू कि इंडिया दे आर गोइंग टू बी अमेजिंगली फेवरेट, चाहे वो सूर्य कुमार है, चाहे वो ईशान किशन है, चाहे ओपन करना है विराट ने और रोहित ने और फिर रविंद्र जडेजा, एंड दे हैव द फायर पावर। इंग्लैंड इन विकेट्स पे कितना कंपेटिटिव हो पाएगा? क्या वो क्रिकेट खेल सकेगा, वो जो गोल्फर स्विंग वाली क्रिकेट है लियाम लिविंगस्टन की या जो ओयन मॉर्गन की? ऑस्ट्रेलिया अगेन विल स्ट्रगल ऑन दीज पिचेस। आप एक टीम को बहुत अंडर रेट करें, T20 में अगर हसनतुल्ला जज़ई ने ऊपर से स्टार्ट दे दिया तो दे हैव द बेस्ट स्पिनिंग अटैक इन दिस कंपटीशन, वो बेहतरीन स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं। सो दे आर नॉट ऑल दे आर गोइंग टू बी हो सकता है, दे आर गोइंग टू बी वेरी मच रेलेवेंट। वेस्ट इंडीज डोंट मिस देम आउट, क्योंकि वो हैं जो कि बहुत स्ट्रांग बेस के साथ मार रहे हैं और वो आपको T20 में जो रन रेट मेंटेन रखना है, और वो 8 से 9 पावर हिटर्स हैं। सो इसमें वो आप डोंट गो ऑन लाइक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। सो पाकिस्तान will still be in the race, लेकिन if they manage कि वो अपने 11 players को किस तरह utilize करें। डॉक्टर साहब, आजम की जो सिलेक्शन थी उस पर पहले obviously सवालात उठे, लेकिन फिर टॉक शोज में आके जस्टिफाई किया गया, डिफेंड किया गया कि बिल्कुल ठीक सिलेक्शन थी और हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन था, अब वापस ले ली गई। या देखें, बात बड़ी सिंपल सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आजम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम मोइन इज आवर फ्रेंड, वी हैव इवॉल्व टुगेदर। आजम की प्री मेच्योर एंट्री थी, आजम फिजिकली अनफिट है, बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, बट नॉट टू अप टू द मार्क टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन इंटरनेशनल क्रिकेट नाउ। सो आपने उस लड़के के साथ ज्यादती की है, उसको आपने एक तो अगेंस्ट द गन खड़ा कर दिया और वो सारा क्रिटिसिज्म उसने अब्सॉर्ब किया, ही इज अ रॉ माइंड। उसके बाद आपने उसको, वो जस्टिफिकेशंस आपकी बड़ी यूजलेस और इररिलेवेंट जस्टिफिकेशंस थी कि जी स्पिनर्स के अगेंस्ट, और यार वो खेला जो 35-40 T20 उसमें 2-50 है उसके, जो वो 3 इंटरनेशनल खेला है उसमें उसकी 6 की एवरेज है, 88 का स्ट्राइक रेट है, सो डोंट फूल अस एंड डोंट चैलेंज आवर इंटेलेक्चुअलिटी। वो जस्टिफिकेशंस अपनी कन्विक्शन भी नजर नहीं आ रही। वो रिजर्व विकेट कीपर जाता ही नहीं था, या रोहेल नजीर जाता था, मुझे लगता है उसके साथ पर्सनल है कोई, मोहम्मद वसीम का या किसी का, क्योंकि या रिजवान के पास रोहेल नजीर था या सरफराज था। सो लॉजिकली आजम वॉज नॉट फिटिंग इन। अब आप अलमिया देखें कि सुहेब बाहर होता है, अगर आजम की सिलेक्शन पहले बारी ठीक थी तो फिर वो आता, फिर मलिक क्यों आया?
सो दैट इज ये क्वेश्चंस है। अच्छा जावेद, यही सवाल आपसे करना चाहेंगे, आज क्या आप भी मानते हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आजम की जो सिलेक्शन पहले की गई थी अभी बहुत अर्ली था उनके लिए ये इंटरनेशनल एक्सपोजर? नहीं देखें, सबसे पहले तो वो देख रहे हैं कि अभी जो बातें कर रहे हैं कि नहीं जी वो मोटा है ये है वो, तो भाई आपने तो खिला दिया पहले। yes. खिला दिया है तो उसके अंदर अगर बच्चे क्रिकेट है, अब देखिए उसको बताना पड़ता है बच्चे को, एक नया लड़का आ रहा है उसके अंदर एक टैलेंट है, अगर मैं आज कोचूं मैं पहले टैलेंट देखूंगा, टैलेंट को उसका यूज करूंगा, यही तो कोचिज के काम होते हैं, यही तो है ना क्रिकेट में जो ऊपर है लोग उनकी आई होनी चाहिए कि उनको पता होने। अभी मुझे तो यही लड़के को मैं निकाल के दे देता हूँ आपको, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे टाइम पे भी थे जब मैं कोच था, मुझे पता मेरे लड़के कहते थे नुमान को पता है, उनसे बोल बोल के बॉलिंग करवा करवा के थ्रो करवा करवा के मेरे हाथ थक जाते, मगर उनको उनकी प्रॉब्लम जो होती थी वो सॉल्व करता था और खुद बताता था। सबसे बड़ी बात चीज ये है कि हमारा कोच जो है ना ये क्रिटिसाइज करता है, मैं कहता हूँ कि ये क्रिटिसाइज जरूर करे, मगर पहले ये खुद खेल के बताए लड़कों को लुक ठीक है मैं इसी बॉल को खेलता हूँ कैसे खेलूंगा, तेरी मूवमेंट देखो, आई यूज्ड टू डू दिस, मैं जब कोच था मैं खुद लड़कों को खेल के मैं कहता यार देखो यही बॉल को मैं खेलता हूँ, तुम सब देखो मैं मेरी मूवमेंट क्या है और वही मूवमेंट जो है वो तुम्हें भी काम आएगी, विकेट की बेसिक एक है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके टांग पैर जो है वो चलने चाहिए, प्लेयर को चाहिए कि कम से कम बॉलर को जो है अंडरस्टैंड करे वो करता क्या है, स्लो बॉल भी करता है या किसी को पता ही नहीं होता, जब आप अपने जहन में बिठा लें कि हाँ ये स्लो भी करता है तो इसका मतलब आप छह बॉलों में तैयार भी होंगे और वो आपके रन वाली स्कोर होगा जब वो स्लो बॉलर करेगा मैं मार दूंगा। तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह हम नहीं ले रहे, अब आपने इतने लड़के इस वक्त खिला दिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं, अब माहौल बन चुका है जो 24 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है उसको लेकर। हालांकि भारत में अभी इतना माहौल नहीं बना है, भारत में कल पूरा दिन एमएस धोनी फीवर छाया हुआ था क्योंकि एमएस धोनी ने आखिरी में जो आकर मैच फिनिश किया, काफ़ी मतलब बड़े समय बाद ऐसा मैच फिनिश किया जिसमें मतलब एमएस धोनी ने एक्चुअली में मतलब दिखाया कि वो अभी भी शेर बूढ़ा नहीं हुआ है, हालांकि उनकी उम्र लगभग 41 साल हो गई है फिर भी वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों अब सीएसके तो पहुंच चुकी है फाइनल में, अब देखते हैं आगे और कौन सी टीम पहुंचती है। हालांकि अभी इस मैच के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का जो मैच है उसको लेकर पाकिस्तान के आपने देखा होगा मशहूर एंकर डॉक्टर नुमान नियाज, जो कि क्रिकेट को लेकर काफ़ी इनको नॉलेज है, मतलब ये अपने आप में एक विकिपीडिया है, इन्होंने बोल दिया कि हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और सूर्या बहुत खतरनाक बैट्समैन है। अब आपने देखा होगा जो लास्ट मैच मुंबई का जिसमें ईशान किशन भी फॉर्म में आए और सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में आए, दोनों ने जबरदस्त तरीके से हिटिंग की जिसको देखकर आपको इंडियन, अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन है तो आपको सुकून मिला होगा क्योंकि सूर्या का फॉर्म में आना बहुत जरूरी था क्योंकि वो लगता है कि सारे मैच खेलेंगे। ईशान किशन का मुझे कन्फर्म नहीं है, आपको क्या लगता है ईशान किशन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? हालांकि मैं उन्हें ऋषभ पंत से आगे रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऋषभ पंत का वो पुराना रूप नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऋषभ पंत अब वैसे छक्के नहीं मार रहे जैसा ईशान किशन ने लास्ट मैच में आपने देखा होगा, राशिद खान हो या कोई भी बॉलर हो सबको धड़ाधड़ पेला था। दोस्तों 24 तारीख का मैच का माहौल जबरदस्त तरीके से बना है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी बोलेंगे वो जीतेंगे, इंडिया में इंडिया बोलेंगे वो जीतेंगे, तो ये माहौल तो हर साल बनता है और आखिरी में इंडिया जीतता है, आपको क्या लगता है? हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि T20 मैच है, कोई भी टीम कभी भी जीत सकती है, इसमें इतना ज़्यादा बोलने का नहीं कि हम ही जीतेंगे हम ही करेंगे हम ऐसा, आपको भी पता कि भारत लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2016 में हम इतना अच्छा खेल रहे थे लेकिन सेमीफाइनल में भी हमने 190 रन बनाए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के जो दैत्य हैं, जो मतलब मैं उन्हें दैत्य इन द सेंस राक्षस इन द सेंस बोल रहा हूँ कि मतलब वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो एक भी चल जाता है तो पूरा मैच ख़त्म कर देता है, और वैसा ही कुछ हुआ था हमारे साथ और आपने देखा था कि वो मैच हम हार गए थे और बाद में वेस्ट इंडीज़ ही फाइनल जीता था। तो दोस्तों ये अब मैच है इंडिया, ये तो है कि इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचना चाहिए, इतनी बड़ी टीम है और हम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच भी रहे हैं 2014 से, लेकिन हम ये बैरियर नहीं तोड़ पा रहे हैं, नॉकआउट्स में हम हार रहे हैं, तो क्या इस बार वो बैरियर टूटेगा या नहीं टूटेगा प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो है मतलब टीम में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जो सिलेक्शन में थी टीम और वो अब चेंजेस हो गई है,
चेंज हो गई है, भारत की टीम में भी चेंजेस हो सकते हैं। 15 अक्टूबर तक की टाइमलाइन है, अब देखते हैं होता क्या। मेरे हिसाब से तो यूजी चहल को टीम में आना चाहिए जिस तरीके का उनका यूएई में फॉर्म है, और साथ ही साथ मैं हर्षल पटेल को भी देखना चाहूँगा। हर्षल पटेल क्योंकि आपको पता है कि मतलब ऐसा कोई एक बॉलर चाहिए जिसके पास काफ़ी वेरिएशन हो, और अगर हमारा मैच वेस्ट इंडीज वगैरह जैसी टीम से फंसता है जो कि जिसमें पावर हिटर भरे हों, और वो ऐसे मैचेस में ये मतलब इस तरीके के बॉलर काफ़ी काम में आते हैं, मेरा ये मानना है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ चेंजेस टीम में देख नहीं रहे हैं। अब आर अश्विन का भी कुछ खास फॉर्म रहा नहीं है, तो अगर जो रिप्लेसमेंट होती है तो मेरे हिसाब से तो रिप्लेसमेंट बनती है एक डेफिनेटली यूजी चहल का आना टीम में बहुत जरूरी है। हर्षल पटेल मैं एक ऑप्शन रख रहा हूँ, आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं कमेंट में। वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।